ओके मिस्बा गैरेथ डेलेनी देयर वाज अ लॉट ऑफ राइड हिम यू नो कि उनके ओवर्स के ऊपर बट समहाउ ही कुडंट रियली डू व्हाट वाज गोइंग ऑन विद हिम वाज ही ओवर पिचिंग वाज ही इन द रॉन्ग चैनल आई थिंक थोड़ा सा आज मुझे लगता है कि फुल बॉल किया उन्होंने सामने की बाउंड्री छोटी है यहाँ पे और ऑस्ट्रेलियन नोज द कंडीशन वो रूम दे रहे थे हालांकि स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट लेग्स पे जो पिक नहीं होता उनको गूगली तो वो स्टम्प्स दिखा के कोशिश करते हैं कि बॉलर फुल आए तो मैं सीधा हिट करूं यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियरली कि वो उनको आइडिया नहीं है बट बीच में उनको ऐसे बॉल मिले हैं जिनको बड़े आराम से उन्होंने सामने हिट मारे तो रिस्क लेना नहीं पड़ा और सामने की छोटी बाउंड्री थी ओवर पिच बॉल थे उसको उन्होंने हिटें मारी हैं तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था आज इनके लिए क्योंकि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे थे आज उन्होंने 3 ओवर में 29 रन हुए अगर यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग उनकी तरफ से आ जाती और एक आधी विकेट जैसे स्टोनियस को वो वहाँ पे आउट कर देते तो वो उस जोन में रहता मैच 160-165 के जोन में तो द वे आयरलैंड बैटेड आप देखें अभी एक बैट्समैन से रन किए और ऐसे लग रहा था एक स्टेज पे कहीं ना कहीं 165-170 तक पहुंच जाएंगे डिफरेंट बॉल गेम होती 179 आई थिंक इट वाज जस्ट टू मच इट वाज आउटसाइड देयर वो मार्क डेयर वकार बड़ी खतरनाक बॉलिंग की है उन्होंने आयरलैंड के लिए 4 ओवरों में 60 रन दिए उन्होंने 14.75 की एवरेज से क्या हुआ है उनके साथ आज इज अ डिसेंट बॉलर व्हाट वाज रॉन्ग आई थिंक वो धर्म भरम हो गया सारा मामला उनका वो थ्रो किसी पे जब अटैक कर रही होती है ना जब बैट स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस जब अटैक करते हैं तो समझ नहीं आती उस दिन आपने हसरंगा की भी हालत देख ली थी कि जब हसरंगा इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स और जब वेन दे गो आफ्टर समवन दे नॉट वन ऑफ दोज टीम्स के जहाँ अगर एक छक्का मार लेंगे तो अगला आप दूसरा थोड़ा सा खींचा करेंगे तो आपको कुछ नहीं कहेंगे दे आर द प्लेयर्स के अगर आपने एक बॉल एक अच्छी जगह के की है और दूसरी बॉल आपने फिर अच्छी की है तो दूसरा भी छक्का वो मारने की कैपेसिटी रखते हैं दे सच अ गुड हिटर क्लीन हिटर ऑफ द बॉल और फिर छोटे छक्के भी जो है वो छोटे छोटे नहीं मारते बिकॉज दे पावरफुल दे बिग दे स्ट्रॉन्ग थोड़े से टैक्टिक्स भी वकार भाई ऐसे थे कि मिड ऑफ ऊपर रख के फुल बॉल कर दी फुल टॉस वो जैसे घबराया हुआ बॉलर जब प्रकाश पड़ी हो तो यू नो यू गेट लॉस्ट इवन एज अ स्किपर यू गेट लॉस्ट एंड दैट्स वेयर कप्तान इतना इंपॉर्टेंट होता है ऐसी सिचुएशन में बॉलर्स के लिए थोड़ा सा गेम को हल्का सा स्लो कर दे ये नहीं मतलब कि आप बैठ के चाय पीनी शुरू कर दो मतलब है कि जस्ट हैव अ 5 मिनट चैट विद योर बॉलर पीछे कर लेते वसीम भाई अगर फुली बॉलिंग कर रही थी तो एटलीस्ट प्रोटेक्शन होती बॉलर की प्रोटेक्शन वेल दैट वाज द ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स बात